सबसे पहले तो डिनर आपको BHEL दिखेगा क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर NNC से मिला है। BHEL लास्ट वीक भी बड़ी अच्छी मूव में था, स्ट्रॉन्ग रोल ओवर थे और आज ओपनिंग गेन्स इसके 3.5% दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको रियल एस्टेट में प्रेस्टीजियस से काउंटर्स दिख रहे हैं, फिनेंस में पूनावाला फिनकॉर्प, NBFC के कई सारे काउंटर्स चले भी नहीं हैं, कुछ क्वार्टर से इन पर नजर होगी। थोड़ी देर पहले हमें सोनी भी बता रही थी कि रोल ओवर्स OMC के अच्छे हैं, HPCL अभी आप देखिए 1% रिकवर हुआ है, फ्राइडे को डीप कट्स तीनों काउंटर्स पे थे, वहाँ अच्छी मूव फिलहाल के लिए दिख रही है। केमिकल स्पेस से दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर ऊपर आ रहे हैं, फोर्टिस हेल्थकेयर पर एक बड़ी रिपोर्ट थी ब्रोकिंग हाउस की और वहाँ पर आप देखें 1.5% की तेजी, वहाँ है मदसन, सुमी में आपको मूव दिख रही है और एक बार देख लेते हैं कि गिरने वाले काउंटर, वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा सॉफ्ट है आज 1.5% की प्रॉफिट बुकिंग शुक्रवार को एक बड़ी मूव के बाद लगभग 1575 के पास, और साथ ही कुछ कंज्यूमर नेम्स में टाटा कंज्यूमर, बैंक ऑफ फाइनेंस सॉफ्ट हैं, सोना कॉमस्टार जैसे स्टॉक्स भी सॉफ्ट हैं, बहुत माइनर जबकि बड़ी मूव पिछले हफ्ते चले हैं। तो अभी फिलहाल जो एक बड़ी लीडरशिप दिख सकती है वो आपको फिर से PSU काउंटर्स से दिख रही है स्टार्ट में, और साथ ही जो दूसरे कुछ और काउंटर्स आ रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर, केमिकल, इन सब में अच्छी मूव है। IT एंड टेलीकॉम एंसिलरी में भी मूव है, आप स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स बोलें, बिरला HFCL जैसे स्टॉक्स में मूव है, सीमेंट काउंटर्स में अच्छी आपको मूव दिखाई दे रही है, मीडिया काउंटर्स काफी बजिंग दिखाई दे रहे हैं और मिड कैप IT में साइन जैसे स्टॉक्स सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुए एक ओपनिंग ट्रेड, ये ओपनिंग इस वक्त किस तरह की दिख रही है, लेकिन ट्रेड्स कौन से सामने आ रहे हैं, सबसे पहले शिवांगी से बात करते हैं। शिवांगी बताएं आपका ओपनिंग ट्रेड। जी बिल्कुल, ऑटो में जो है मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे TVS मोटर जो डिस्कस हुआ था वही मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा। जो यहाँ पे जिस तरह से लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं ओपनिंग टिक से ही एक काफी अच्छा मोमेंटम जो है कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, तो 2100 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1990 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। TVS मोटर आपका ओपनिंग ट्रेड रहेगा ऑटो पैक से। आदित्य आपका ओपनिंग ट्रेड। देखिए मुझे इंडिगो में अच्छी तेजी दिख रही है, इंडिगो को बाय कर सकते हैं 3027 में, स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का और टारगेट रहेगा 3100 से लेके 3200। ऑल राइट, ठीक है। सोनी आपका ट्रेड क्या होगा? ये मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में, काफी अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा है ब्रेकआउट होते हुए, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आप 540 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 565-570। ऑल राइट, LIC हाउसिंग फाइनेंस ये स्टॉक भी ज्यादा परफॉर्म नहीं करा लास्ट ईयर, इसीलिए इन NBFCs पर क्या इस साल नजर होनी चाहिए, फिलहाल तो अच्छा दिख रहा है टेक्निकली भी। आप बताएं मितेश आपके क्या होगा ओपनिंग ट्रेड? मेरे दो ओपनिंग ट्रेड है, एक तो है NMDC, आई थिंक 211 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक ब्रेकआउट मिला है, तो 212 रुपए करंट लेवल के ऊपर मैं खरीदूंगा NMDC को, 208 रुपए स्टॉप लॉस के लिए, 220 और 225 मेरे टारगेट रहेंगे। और दूसरा है अशोक लेलैंड, इसमें भी एक या दो दिन में बहुत ही प्रॉमिसिंग अप मूव आना चाहिए, 184 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, 180 का स्टॉप लॉस, 180 का पहला टारगेट, 190 दूसरा, 195। ओके ठीक है, अशोक लेलैंड तो हमारे ओपनिंग ट्रेड्स में भी मेजरली आपको स्टॉक्स जो दिखे हैं उसमें ऑटो स्टॉक और अशोक लेलैंड भी एज कंपेयर अपने पीयर्स के हिसाब से अपने स्पेस में ज्यादा मूव चला भी नहीं, रिलेटिवली इसमें क्या वैल्यूएशन कैचअप दिख रहा है, दो टारगेट्स हमें मितेश ने बताया। नरेंद्र सोलंकी भी है, उनसे समझ लेते हैं। नरेंद्र आपका भी क्विकली कोई मिड कैप बजिंग आपको दिखता हो या फिर कोई लार्ज कैप भी आप देना चाहें जो एक पोजिशनल बेट हो? जी मिड कैप में हमें CESA काफी पसंद है, और अगर आप स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें तो काफी स्टेबल है इनका बिजनेस, जो इनका ट्रेडिशनल बिजनेस है, और जो अभी इन्होंने नई इन्वेस्टमेंट करी थी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में राजस्थान में खास करके, वो भी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रही है और मार्जिन इंप्रूव होते हुए हमको दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं और आने वाले दिनों में इनकी परफॉर्मेंस भी ग्रेजुअली इंप्रूव होती जाएगी, और वैल्यूएशन वाइज भी बात करें तो काफी सस्ती वैल्यूएशन पे है ये फिलहाल। देखिए शुरुआत जो है ना इंडाइसिस की थोड़ी शांत है और होनी भी चाहिए, और ये आपको भले SGX निफ्टी पे उस समय नहीं दिख रहा था, वे माफ़ कीजिए गिफ्ट निफ्टी पे, और आप करीब 38-40 अंकों का नुकसान वापस से दिख रहा होगा निफ्टी पे, ये ना ऐसे ही रखेगा आज आपको, ये अपने स्टॉप लॉसेस को टेस्ट करने, हो सकता पूरी तरह से ना जाए बीच में से घुमा लाए, हो सकता है रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाए वहाँ से घुमा लाए, क्योंकि ना शुरुआत में ना तो मेरे को वॉल्यूम दिख रहा है, ना ही एज सच कोई लीडरशिप दिख रही है, ना ही मेरे को कोई एग्रेशन दिख रहा है, मार्केट ना बहुत ही
उस तरह बहुत ही ठंडा है एक्चुअली में, जब होता है ना तो आपको साफ साफ दिख जाता है। अच्छा, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात करूँ, 48,000 का इसका ना नियर बाय का स्टॉप लॉस है, तो ये इसको रखेगा, होल्ड रखेगा। मेरे को लगता नहीं कि 48,000 को आज ब्रेक करेगा, कर भी देना तो ज़्यादा हैरान और चिंता की बात नहीं है। फिर 200 पॉइंट नीचे फिर सपोर्ट है इसके पास 47,800 का, और ऊपर जाते समय अब 48,500 के बाद ही चलेगा। तो मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार ना इंडाइसिस आपके मनोभाव को तय करवाते हैं, इंडाइसिस ही तय करवाते हैं कि स्टॉक चुनना है कि नहीं चुनना। मान लीजिए इनहेरेंट स्टॉक है, किसी शेयर में ताकत है, वो तो ठीक है अपने आप से चल जाएगा, लेकिन जो चलेगा बाजार के मूड और माहौल से, वहाँ पर आपको इंडाइसिस देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोनों इंडाइसिस पे आप वॉच रखें। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ आज ज़ोरदार होने जा रहा है मार्केट के अंदर। एक दो शेयर ज़रा चेक करते हैं जहाँ पे शुरुआती बढ़त थोड़ी अच्छी बनी है। ITC का शेयर एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखाएंगे। ITC कोई ऑप्शन का ट्रेड है कि ITC आदित्य, ITC में कोई ऑप्शन का ट्रेड? देखिए ITC का जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, स्टॉक ऑलमोस्ट रेंज में ही फंसा हुआ है, बट जैसे कि कल हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी थी लार्ज कैप में, ICICI बैंक में, एक्सिस बैंक पे, रिलायंस में, उसी तरीके से ITC बीइंग अ लार्ज कैप वहाँ पे भी एक अच्छी मुनाफा वसूली हो रही है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग का कोई सौदा इसमें लेना है तो मेरे हिसाब से 475 का इसमें कॉल राइट कर सकते हैं। थोड़ा स्टॉक साइडवेज से डाउनवर्ड बायस बना के रखेगा तो वहां पे प्रीमियम खाने को मिलेगा। हाल फिलहाल एक न्यूट्रल ट्रेड ही बन रहा है इसमें। ठीक है शिवांगी, दो शेयर मेरे को आपसे पता करने हैं, दोनों के पास कहीं ना कहीं न्यूज है और दोनों का बेस काफी स्ट्रांग है, चल सकते हैं नहीं चलेंगे थोड़ा आपको गाइड करना होगा हमको। पहला शेयर है जी एंटरटेनमेंट। देखिए 2023 का ये सबसे ज़्यादा खबर अवेटेड स्टॉक बन गया। खबर आई तो एक महीना मामला टल गया, मामला टल तो गया लेकिन प्राइस नहीं टूटे इसके, ये अभी भी 275 के आसपास। आप इसका महीने का चार्ट भी दिखाओ, एक मंथ का चार्ट भी दिखाओ। और दूसरा शेयर है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का सुपरहिट शेयर आइडिया सेलुलर, वोडाफोन आइडिया। हाँ, इन दोनों शेयर्स का ना सेटअप आप चेक कर लो। देखो जी एंटरटेनमेंट 3% आपको, अगर मैं मंथ का इंडाइसिस का गेन दिखा दूंगा ना तो वो इससे डबल है। निफ्टी ने ही 7% का गेन दिया है और ये शेयर ने नहीं दिया आपको, ये 3% दिया है। क्यों रुका? खबर की वजह से। क्या शेयर की वैल्यू खराब थी? नहीं। एक शेयर जिसने बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया और एक खबर के साथ आगे बढ़ सकता है वह वोडाफोन आइडिया। इन दोनों को शिवांगी जरा आप चेक कर लो, मेरे को पूरी जैन सीरीज के लिए चाहिए इनके टारगेट्स। बात करें तो हमने देखा है टेक्निकली तो ये अपने एक यू नो की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से रिट्रेस होते हुए दिख रहा है। एक अच्छी कूल ऑफ होने के बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेशन के बाद अब तैयारी कर रहा है अप मूव की। बट यहाँ पे कंसर्न की ये बात है कि 300 पे काफी ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ जो है भारी मात्रा में खड़े हैं। 285 निकलते ही एक अच्छा यहाँ पे अप मूव हमें देखने को मिलेगा। 285 पे भी एक काफी बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बट 300 इज अ मेजर रेजिस्टेंट लेवल फॉर दिस स्टॉक। अगर हम पूरे सीरीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये स्टॉक जो है काफी वॉलेटाइल रहता है, तो हम स्टॉप लॉस लगाते हुए ही ट्रेड करें। और यू नो 270 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा जिसका हम ध्यान रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम आइडिया की बात करें तो यहाँ पे एक शानदार रूप से यू नो शॉर्ट कवरिंग मूव के साथ प्राइस वॉल्यूम सर्च देखने को मिला है और आज के सेशन में फॉलो अप थोड़ा बाइंग भी देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो सेटअप काफी स्ट्रांग है, जिस तरह से ये होल्ड कर रहा है हायर जोन पे, तो हम यहाँ और हायर लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड यू नो 16.5 और फिर जो है हम 17 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 15 के एक क्रूशियल सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ओके ठीक है, कई सारे स्टॉक्स जो डिस्कस हुए थे उसमें से आप देखें इस वक्त तो, अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने BHEL रिकमेंड किया, L&T हाउसिंग फाइनेंस पर बात हुई, इनफैक्ट NMDC जैसे स्टॉक्स पर भी बात हुई, लेकिन क्या इस वक्त शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी कुछ फाइनेंस काउंटर्स में दिख रही है? कैनफिन होम्स आई थिंक मितेश अभी ऐड कर रहे थे। मितेश, NBFCs का कुछ ये एक स्पेस ज़्यादा चला भी नहीं है, चाहे कैनफिन होम, पूना वाला फिनकॉर्प हो, क्या NBFCs पर आपकी नज़र होगी?
डेफिनेटली देखिए, इसमें कैनफिन होम ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंटेंडर है, क्योंकि 750 के ऊपर बोथ डेली और वीकली चार्ट के ऊपर कंटिन्यूअस बाइंग इसमें दिख रही है। अगर आप आवरली चार्ट भी देखो तो कोई भी डिप्स है वो बेसिकली मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बायरन ट्रेड फॉर्मेशन के लिए ही यूज किया है। तो हमारे हिसाब से एक 795 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो क्लियर होता है तो बाद में कैनफिन होम एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होता है, और बहुत जल्द बिटवीन 950 और 1000 चार डिजिट में हमको ये शेयर देखने के लिए मिलेगा। सो वी आर वेटिंग फॉर 790 टू क्रॉस ऑन आर डेली बेसिस, अगर वो हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली ये हमारी बाय लिस्ट में होगा। ठीक है, कंडीशनल बाय रह गया। 2023 में रेलवे और डिफेंस काउंटर्स जमकर रिटर्न दिया, सबसे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी थे, बट रिलेटिवली आईआरसीटीसी, क्या वहां पर अब भी एक कैचअप बाकी है? एटलीस्ट पिछली कई दिनों की मूव से तो इसी तरह से लगता है, आज भी आईआरसीटीसी में एक अच्छी मूव है, क्या लेवल्स पर एड करेंगे आप आदित्य? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल देखिए आईआरसीटीसी का जो पैटर्न बन रहा है वो काफी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। दिसंबर सीरीज में भी आउट परफॉर्मेंस दिखाया, और स्टॉक ने बहुत लंबा टाइम लिया है कंसोलिडेट करने के लिए। और मीनवाइल आप देखिए तो डेरिवेटिव डेटा भी पॉजिटिव होता जा रहा है, लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आईआरसीटीसी को बाय कर सकते हैं करंट लेवल पे 909.90 पे, और इसमें स्टॉप लॉस बनाना चाहिए 790 का, और टारगेट इसमें बन के आ रहा है 1000 से लेके 1150। ठीक है, डन। कुछ कुछ और स्टॉक्स जरा पता करते हैं। नरेंद्र जी, आपको वोल्टास कैसा लग रहा है? हमने कई बार इसको बोलते हैं ना तो लोगों को याद दिलाने के लिए, देखिए कि हमने बार बार आपको ये स्टॉक आपके सामने रखा और आपको अच्छे प्रॉफिट दिलवाए। एक बात कहते हैं, वो बात ये कहते हैं कि सर्दी में भी वोल्टास चल रहा है, तो एक बार जरा आप वापस से देख के बताइए, और आपका फंडामेंटल व्यू इस पे पॉजिटिव है क्या? जी हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा है, स्टॉक है और मार्केट लीडर है ये अपने सेगमेंट में, और इनके अगर आप ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफी अच्छी है, और इनका जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट शेयर भी काफी अच्छा है, 20% पे इन्होंने होल्ड किया हुआ है ऑलमोस्ट, और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान है इनके वो भी काफी अच्छे चल रहे हैं, और जो कि आने वाली जो डिमांड है उसको भी कैटर करेगी। तो ओवरऑल डेफिनेटली सेक्टर भी अच्छा है, और कंपनी क्योंकि मार्केट काफी बड़ा मार्केट लीडर है और पुराना कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है और इसमें डेफिनेटली रह के चल सकते हैं। अपने क्लाइंट्स को दिलवा रखा सर, आपके क्लाइंट्स के पास है वोल्टास? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग का कवरेज ठीक है। है किस रेट पे होगा सर आपके क्लाइंट्स के पास, कुछ आइडिया देंगे? नहीं, उनका रेट नहीं है, पर हमारा इसमें टारगेट 993 का है फिलहाल, और टारगेट भी काफी करीब है, और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, और अगर रिव्यू होगा, रिजल्ट अच्छे होंगे तो डेफिनेटली टारगेट भी रिव्यू होगा। ठीक है, मतलब आपका वैसे टारगेट 993 का है, उसका रिजल्ट्स की वेट भी कर रहे हैं, जैन सीरीज में रिजल्ट्स भी आएंगे, रिजल्ट्स अच्छे रहे तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, ऐसा बात आप टीवी स्क्रीन पर बोल के जा रहे हैं। ठीक है डन सर, इसलिए मैंने पता किया ताकि थोड़ा कन्विक्शन ना हाई हो जाता है, और कुछ नहीं। एक दो शेयर जरा और चेक करते हैं, टिन प्लेट नाम की कंपनी है, वीकली चार्ट चेक करेंगे तो आदित्य शेयर देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एक बार आप जरा टिन प्लेट देखेंगे, या एक काम कीजिए आप पानी पी लीजिए, मैं जरा सोनी पटनायक से पता कर लेता हूँ, आप पी लीजिए पूरा पानी पीजिए। सोनी जरा आप देख चेक करो टिन प्लेट, टिन प्लेट आपको ठीक लग रहा है तो जरा मेरे को बताओ, मेरे को वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छा लगा है शेयर। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे इनफैक्ट आपने सही कहा है, वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छा है, आप यहाँ पे कोई भी अगर छोटा सा डिप मिलता है टूवर्ड्स 440 आप इसको ऐड कर सकते हैं, काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 420 के आसपास, तो आप 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, डिप में ऐड कीजिए 440 टू 430 के रेंज में, और वहां से जो ये बाउंस बैक करेगा वो 480 प्लस लेवल्स करेगा, बट ये वीकली टू यू नो एक मंथली पोजिशन के तौर से ही है, सो आप इसमें एवरी डिक्लाइंस में डेफिनेटली ऐड कीजिए, जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है तब तक आप इसको होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 480 प्लस। ओके ओके ऑलराइट, ठीक है, टिन प्लेट पे ये बात हुई, लेकिन इस बीच जो कुछ और काउंटर्स में, मिड कैप में कई सारे काउंटर्स हैं जो पिछले कुछ मिनटों में ऊपर आया, उसमें गुजरात गैस, पेट्रोनेट एलएनजी, तो ये जितने भी गैस काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छी मूव है, और इनफैक्ट आप गुजरात गैस को देखें तो ये बड़ा अंडर परफॉर्मर एज कंपेयर टू
अदर पीयर्स इन द स्पेस रहा है गुजरात सरकारी कंपनियों में और गैस नेचुरल गैस के काउंटर्स में, स्टेट गैस में आप देखें तो इस काउंटर ने ज़्यादा परफॉर्म किया भी नहीं है 2023 में. क्या यहाँ कैचअप बाकी है शिवांगी, गुजरात गैस को आप रडार पे रखेंगी? जी, इस पूरे स्पेस पे हमने देखा है कि काफी एक अच्छा यू नो स्टीम है एंड जिस तरह से इस स्टॉक में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगी. इनफैक्ट पूरे एक सेक्टर का टेलविंड भी मिलेगा और ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में रहा है और हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे गए इसमें. तो 490 इमीडिएटली और फिर पोजिशनली 500 तक के टारगेट्स इसमें बनते हुए दिखेंगे. 460 के एक स्टॉप लॉस को हम बनाते हुए रखें. मिलेशन जून में तो दिख रहा है गुजरात गैस, ये शिवांगी की राय रहेगी. एक साइड आज सुबह सोनी बात कर रही थी कि उस पर एक अच्छा मोमेंटम है, उन्हें अच्छे रोल ओवर दिखे, तो आप दूसरा एक साइड बैटरी काउंटर देखे अमारा राजा, वहां पर भी आपको 1.5% की मूव इस वक्त दिखाई दे रही है. लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और केमिकल स्पेस के काउंटर्स देखें, फाइन ऑर्गेनिक को एक बार बात करते हैं, पिछले कुछ मिनटों में यहाँ मूव पड़ी है और इनफैक्ट केमिकल स्पेस बजिंग भी है. क्या यहाँ पर फाइन ऑर्गेनिक रिलेटिवली इसमें भी एक कैचअप ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू अदर पीयर्स इन द स्पेस? फाइन ऑर्गेनिक्स को ऐड करेंगे आप आदित्य? कंसोलिडेटेड कंपाइल्ड चार्ट तो सारे लार्ज कैप से लेके मिड कैप में बहुत अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, काफी अच्छी वॉल्यूम्स आ रही है एंड लॉन्ग बिल्डअप भी आपको देखने को मिल रहा है लार्ज कैप्स में. सो सिमिलरली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स शुड फॉलो एंड पैटर्न्स भी ये जता रहे हैं कि अभी यहाँ से फाइन ऑर्गेनिक्स एक बुलिश ट्रेड बनता है, तो इसको बाय कर सकते हैं 5000 में. स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 4700 का और टारगेट बन के आ रहा है 5500 से लेके 5700.